भीमराव, जैसा मैं तुम्हें सतारे में परेशान करता था, तुम्हारे परिवार को परेशान करता था, ऐसे लोग तुम्हें हर जगह मिल जाएंगे। जिंदगी बीत जाएगी लेकिन मेरे जैसे लोग खत्म नहीं होंगे, हर मोड़ पर मिलते रहेंगे। लेकिन तुम्हें घबराना नहीं है, इन लोगों से लड़ते हुए तुम्हें आगे बढ़ना है और आगे ही बढ़ते रहना है। अभी मैं चलता हूं। पंडित जी, मैं आपको स्टेशन तक छोड़कर आता हूं। चलिए। गुरु जी बोलो बोलो। उस दिन भीमराव जिस बैरिस्टर के बारे में बात कर रहा था ना, कि उस बैरिस्टर ने उसे नौकरी से निकाल दिया है। हाँ, वो मैं ही था। क्या वो तुम थे? लेकिन तुमने भीमराव को नौकरी से क्यों निकाल दिया? उसकी योग्यता की जांच कर रहा था गुरुजी, और फिर आपने ही तो सिखाया है ना कि मदद करने से पहले मदद मांगने वाले की पात्रता की जांच अच्छे से की जानी चाहिए। प्यासा व्यक्ति ही पानी की सही कीमत समझता है, और गुरुजी मैंने पाया कि एक दिन वो सच में बहुत बड़ा बैरिस्टर बनेगा। अवश्य बनेगा भीमराव, एक दिन सबसे बड़ा बैरिस्टर अवश्य बनेगा, क्योंकि उसमें ज्ञान की बहुत प्यास है, और मुझे इस बात का संतोष है कि अब वो तुम्हारे पास आ गया है, तो उसका मार्गदर्शन भी अच्छे से हो जाए करेगा। दूध। पैदा होती तो आपकी कुछ मदद कर सकती। अच्छा, लेकिन तुम्हारे माओं में पैदा होने का मेरी मदद करने से क्या संबंध है? आप ना बिल्कुल बुद्धू है। देखिए, मैं माओं में पैदा होती तो बचपन आपके साथ गुजरता, हमारी दोस्ती भी हो जाती, फिर आप मुझे पढ़ाना भी शुरू कर देते, फिर मैं पढ़ते पढ़ते थोड़ी समझदार हो जाती, फिर ये कागज समझने की कोशिश मैं भी कर सकती थी। होने को तो ऐसा भी हो सकता था रमा, कि अगर तुम माओ में पैदा होती तो क्या पता हमारा विवाह ही नहीं होता, और ना ही तुम सुबह सुबह मेरे लिए दूध और खुद के लिए चाय लेकर यहाँ खड़ी होती, और ना ही प्यारी प्यारी संभावनाओं पर ऐसी बातें करती। अजीब है आप तो, मैं बचपन से साथ रहने की बात कर रही हूँ और आप? ठीक है, पढ़िए और ये दूध पी लीजिएगा, गई और जाके चाय पी लूंगी। रमा आ, आ जाओ। रमा, किसी की मदद करने के लिए उस साथी के बराबर काबिल और समझदार होना जरूरी नहीं होता है, और मेरे लिए तुम बहुत समझदार ही हो। मैं पढ़कर इसका मतलब तुम्हें समझा दूंगा, फिर तुम्हें जो समझ में आता है वो मुझे बताना,
और मेरी मदद करना। देखो, मिस्टर पाटिल ऑन 14th नाइट भीम को एक अच्छे जीवन साथी और एक सही मार्गदर्शक मिल गया। अब भीम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। मास्टर साहब, नमस्कार। अरे ये क्या हुआ, ठीक नहीं लग रहा है। देखो, मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ कि तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो, लेकिन तुम्हारे कहने से मैं भीमराव को नौकरी से नहीं निकालूंगा। फिर तो समस्या हो जाएगी बैरिस्टर साहब। मैं तो ये सोच रहा हूँ कहीं आप ही काम करने लायक ना बचे। धमकी दे रहे हो, वो भी एक वकील को? धमकी नहीं, सलाह दे रहा हूँ बैरिस्टर साहब। क्या है, कोर्ट के बाहर आप, मैं, सब बराबर हैं। तो धमकी समझना है तो धमकी समझिए, फिक्र समझना है तो फिक्र समझिए, जो समझना है वो समझिए। लेकिन जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान अवश्य दीजिएगा। बाकी ख्याल रखिए, चलता हूं। मैंने तुम्हें जीवन भर पढ़ाया, लिखाया, बताया कि अपनी जाति के नाम पर कोई कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमारी जात हमारा गर्व है। भीमबाव, आप ही बताइए, आपके भैया ने जो किया है वो सही है या गलत? गलत किया है, बाबा जो बोल रहे थे वो सही है। मुझे सोचना ही नहीं उन सब के बारे में, जिसको जो सही लगे करे, मुझे बस काम करना है। नहीं चाहिए। ये एक रोटी खा लीजिए ना, भूख नहीं है। समझ सकती हूँ, जब इंसान अंदर से टूटा हुआ महसूस करे तो खाने पीने का मन नहीं करता। लेकिन आप खाइएगा नहीं तो आप बीमार पड़ जाएंगे, उससे किसी को क्या फर्क पड़ेगा पता नहीं। लेकिन आपकी पत्नी, उसकी तो पूरी दुनिया आप है ना। दीजिए, मैं खिला देती हूँ। आप जैसा कर रहे हैं ना वैसा ही करिए, मैं हूं आपके साथ। मैं समझती हूं कि आप सही हैं। लगता है जीजा भाई, तेरी बहू लक्ष्मी अब तेरे लिए इस घर में सब कुछ बदलने वाली है। देख, मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मैंने भी ये सब सहा है, लेकिन ऐसे सामान बांधकर कब तक बैठी रहेगी? जा, जाकर खाना बना और कुछ खा ले। और ऐसे दुखी होने से, उदास होने से वो वापस लौटकर तो नहीं आ जाएंगे ना? लेकिन वो तो यह चाहता है ना कि हम उदास रहे। वो अच्छे से जानता है
कि हम उनके बिना कबू खाना नहीं खाते। जब तक पूना सो जाए हमके नींद नहीं आवाता, तब वो हमने कौनो खबर नहीं ली। अच्छे से जाना तो ये कि हमारी पुलिया ना खाना खाएगी ना सोएगी, तो फिर लौट के नहीं आए। बुआ, हम औरत लोग अपने पति के लिए कितना व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन व्रत जात ना मौका मिलत नहीं है कि बस से छन्न से पलट जाते, लौट के भी नहीं आवते, जोड़ के चल जाते। फुलिया जी, अरे मोहल्ले में आप कितने चर्चे हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। वो कहना, मैं पंडित जी को छोड़कर वापस आ रहा था तो लोग मुझे रोक रोक कर कह रहे थे कि कपड़े ले जाओ, और आपसे कहने के लिए कहा है कि दो के जगह चार दिन भी हो जाए वो आपसे ही कपड़े साफ कराएंगे। मैंने कहा ठीक है, एक बार मैं फुलिया से पूछ लेता हूँ, फिर मैं कपड़े लेकर चल जाऊंगा। तो आप क्या कह रही हैं फुलिया जी, ले आओ कपड़े। बस वही गवा तुम्हारा मजाक, थोड़ी दिन हुआ नहीं तुम्हारा चाल में आए और सबको पहले से खबर लग गई कि जौन चाल में फुलिया राहत है वह में तुम्हारा राहत हो। तो भागो यहां से, अपने काम करो, जाओ यहां से। जा, ये सामान उसके कमरे में रख दे। मंगेश भाऊ, तुम तो बहुत झूठे इंसान निकले। फुलिया दोबन से झूठ बोलकर उसकी नजर में अच्छा बनने का नाटक बंद करो, और ना ही फुलिया दोबन को बेचारी समझने की भूल करो। भाऊ, जीवन में दुख एक भारी पत्थर की तरह होता है, और उसे मेहनत से ही हम जीवन के रास्ते से हटा सकते हैं। बस मैं वही तो कर रहा हूं, और मैं फुलिया जी को बेचारी नहीं समझ रहा, बल्कि आप लोगों से ज्यादा मैं उनका दुख समझ सकता हूं, क्योंकि मैंने भी अपना जीवन साथी खोया। वाह, तो तुम फुलिया धोबन को अपना जीवन साथी बनाने जा रहे हो? सुनो, ऐसी पापी मंशा इस चाल में नहीं चलेगी। नाना भाऊ, दुख का साथी बन रहा हूं, तरह तरह की बातें करके, झूठ कहकर उन्हें इस दुख से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूं। भीमराव, इस केस के कागजात तो तुमने देखे ही हैं, अब ये बताओ कि तुमने क्या पढ़ा और तुम्हें क्या मिला? जी सर, सर ये पेज नंबर 4 के अंत में और पेज नंबर 9 के शुरुआत में जो चीजें लिखी है, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में ही जाग सके तो जाग। भीमराव एक दिन सबसे बड़ा बैरिस्टर अवश्य बनेगा, क्योंकि उसमें ज्ञान की बहुत प्यास है। मैं तो ये सोच रहा हूं कहीं आप ही काम करने लायक ना बचे। सर एक बात पूछूं? हाँ पूछो। जिस व्यक्ति का ये केस आप लड़ रहे हैं वो असल में बहुत ही करीब है, मतलब ये सब पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास आपके फीस देने भर के भी पैसे नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आप ये केस। भीमराव,
बैरिस्टर को न्याय के लिए लड़ना चाहिए और हर केस पैसा कमाने के लिए नहीं होता। कई बार गरीब का दुआना अमीर के सैकड़ों रुपयों पर भारी पड़ता है। जी सर, मैं ध्यान में रखूंगा। और हाँ, एक और बात भीमराव, इस केस से जुड़ी हुई जो कुछ बातें तुमने कही हैं वो सही हैं, लेकिन फिर भी आराम से तसल्ली से वहां जाकर बैठो और उसे फिर से पढ़ो और फिर कुछ ढूंढो, क्योंकि एक बैरिस्टर को अपनी केस के कागजात तब तक बार बार पढ़ते रहना चाहिए जब तक उस केस की सुनवाई पूरी ना हो। केस स्टडी एक साधना है, जस्ट लाइक मेडिटेशन। जी सर। राम जी, बंबई आकर पता चला कि यहाँ भी सतारा की तरह जात पात ऊंच नीच का चक्कर है। मंगेश, अभी तो सिर्फ 3 जगह से धक्के मार कर निकाला गया है और हमें तो इन धक्कों की आदत हो गई है। तुम्हें पता है, कभी कभी हम लोगों को सप्ताह सप्ताह भर लग जाता है काम ढूंढने में, और यदि कभी गलती से काम मिल भी गया कहीं तो वो नरोत्तम जोशी जैसा कोई आदमी आता है और हमें काम से निकाल देता है। कोई बात नहीं, जिनका संघर्ष बड़ा होता है उनकी जीत भी बहुत शानदार होती है। लेकिन ऐसे गुजारा कैसे चलेगा? कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो सोचना पड़ेगा हमें। कुछ ना कुछ तो होगा। हमें भी कुछ काम दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। जात कौन सी है तुम्हारी? छोटी जात के हैं। ए, इधर आओ। अरे इधर आओ। तुम्हारी जात के हिसाब से मेरे ऑफिस में एक काम है, चाहो तो कर लो, बदले में पैसे ले लेना। राम जी, लेकिन इनके ऑफिस में तो आनंद भी काम करता है। तो क्या हुआ? अरे क्या सोच रहे हो, काम करना है? नहीं जी सेठ जी, काम करेंगे ना। चलिए जो भी होगा हम कर लेंगे। चलो हिसाब क्यों मिल क्यों नहीं रहा है? ये सेठ जी आएंगे तो हिसाब मांगेंगे। अरे अंदर आओ। वो अंदर कुछ गंदगी है, वो साफ कर दो और बाहर फेंक दो उसको। जी सेठ जी। तुम्हारा काम कहां तक पहुंचा? हो रहा है सेठ जी, थोड़ा समय लगेगा। क्या थोड़ा समय, थोड़ा समय? अरे भाई खाते तुम्हें आता भी है नहीं, जल्दी करो। अरे तुम लोग जाओ। जी सेठ जी। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम भी जाओ। सेठ जी, ये हमारे जात के नहीं है, आपके जात के, और इन्हें इस काम का कोई अनुभव नहीं है, इसलिए ये काम हम दोनों ही कर लेंगे। ठीक है ठीक है, तुम ये जल्दी करो। अनंत, एक बात बोलूं, राम जी के 3 बेटे थे, बाला, आनंद और भीम। तीनों अलग अलग थे, लेकिन अब मुझे लग रहा है तुम बाला जैसे हो गए हो। बाला मत बनो, आनंद ही रहो। तुम्हारे बाबा सत्य के साथ, उनके साथ खड़े रहो, भीमराव की तरह।